ये आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ 2 चम्मच घी से बिना मावा खोआ के ऐसी मिठाई बर्फी की खाने वाले तारीफ करते रह जाए। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल हलवाई जैसी हलवाई के वो सीक्रेट टिप्स और ट्रिक के साथ ऐसी बनेगी रवा बर्फी के मुंह में जाते घुल जाए। इसे बनाने के लिए ना तो मावा खोआ चाहिए ना ज्यादा हमें घी चाहिए। सिर्फ घर के रखी हुई 3 चीजों से आप झट से बना लोगे, इतने टेस्टी बनेगी कि आप मावा बर्फी भूल जाएंगे। और सबसे खास बात है कि इसे 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल ये बजट में बनेगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अपने कोई डेली चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो पसंद आते तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अपने होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक न्यू रेसिपी शुरू करते हैं। हलवाई जैसी बहुत ही स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली रवा बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी सूजी। यहाँ सबसे जरूरी टिप्स है वो है फाइन सूजी। ये देखिए, यहाँ एकदम फाइन यानी बारीक सूजी है। इससे जो बर्फी के टेक्सचर आती है वो खाने में एकदम मावा बर्फी की तरह लगता है। यदि आपके पास मोटा वाली सूजी हो तब मिक्सी जार में डाल करके आप 1 से 2 बार चला लीजिएगा, आपकी फाइन सूजी तैयार हो जाएगी। मेजरमेंट से कहूँ तो ये 200 ग्राम सूजी मैंने ली है। आप कोई भी घर के कटोरा चाहे कप सेट कर लीजिएगा और सारे उसी अनुसार मेजरमेंट आप कर लीजिएगा। अब फटाफट गैस के ऊपर चढ़ाएंगे एक पैन, चाहे आप कढ़ाई चढ़ा लीजिए। इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। बर्फी वगैरह देसी घी में ही बहुत अच्छी बनती है। आप घी के जगह वनस्पति घी चाहे रिफाइन तेल भी ले सकती हैं। अब घी को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। अब बारी आती है हलवाई के और सीक्रेट चीज है जिससे बनेगी इतनी बढ़िया बर्फी जैसे लगेगी कि मावा बर्फी है, वो है बेसन। इसमें डालकर आप जरूर देखिएगा, जैसे इसकी स्वाद लगेगी कि ये मावा बर्फी है, इससे टेक्सचर और स्वाद सारे निहंस हो जाएगा 1 चम्मच बेसन से। अब बेसन को यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर भून लेंगे, जैसे कि कच्चापन निकल जाए और इसकी कलर चेंज ना हो। पूरे बर्फी में एक बात के खास ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज के ज्यादा भूनकर कलर चेंज नहीं कीजिएगा। और पूरे रेसिपी में हम ध्यान रखेंगे जैसे बर्फी बाजार में मिलती है। और ये लीजिए, थोड़ी देर मैंने बेसन के भून लिया है और इसमें से कच्चापन निकल गया है और खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। बस इसी स्टेज पर हम डाल देंगे 1 कप सूजी, सारा सूजी के डाल देंगे। अब लगातार चलाते हुए सूजी को बढ़िया से खुशबू आने तक भुनना है, लेकिन ध्यान रखना है कि कलर चेंज ना हो। उसके लिए सूजी के छोड़ना नहीं है, जैसे कि सूजी के एक एक कण में घी अच्छे से समा जाए। ये बर्फी काफी हल्की होती है, टेस्ट इसका सबको पसंद आता है, बनाना बहुत आसान। आप इसे सावन के त्योहारों पर एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। ये देखिए, सूजी बढ़िया से भून गया है, कलर भी चेंज नहीं हुआ, एक एक दाना फूल गया है, यही सबसे खास बात है। हल्का मावा की तरह दिख रहा है, ये आपको पास से हम दिखा रही हूँ। ये देखिए, इतना भूनना है कि कलर इसकी चेंज ना हो और कच्चापन बिल्कुल निकल गया है। यदि आपको घी की मात्रा कम लग रहा है तो थोड़ा सा आप डाल दीजिएगा। अब इस बर्फी को हम बना रहे हैं बिना मावा खोआ के। अब चलिए इसमें डालते हैं ऐसी कि इसका टेक्सचर और स्वाद सब बदल जाएगा, वो है दूध की मलाई। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के दूध के मलाई ली है। जब हम दूध उबालते हैं दूध के ऊपर एक मोटी सी परत आ जाती है, बस ये मैंने वही ली है। अब लो फ्लेम पर बढ़िया से मलाई के फेंटते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। आप यकीन मानिए, ना तो आपको मावा खोआ की जरूरत पड़ेगी, ना इसमें काजू के पाउडर, ना कंडेंस मिल्क डालने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे डालते जाएंगे झाग इसमें आने लगेगा और सूजी के दाना एकदम फूल के सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। जैसे हम दूध के मलाई लिए थे, इसमें घी बहुत कम लगेगा। आपके पास दूध की मलाई ना है तो आप चाहे तो घी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा के आप डाल लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा दूध भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही कम सामान से तैयार कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्पेशल मार्केट से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, बढ़िया से सूजी के दाने फूल गया है, ये बर्फी दानेदार बनेगी। बस 2 मिनट आपको भुनना है। लीजिए, अब इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। ये मैंने नेक्स्ट चीज ली है, वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई सा भी ब्रांड के ले सकते हैं, 10 रुपए वाली पैकेट इजिली कोई सा भी दुकान पर मिल जाएगा। ये मैं 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर ले रही हूँ। जब आप गैस के बंद कर दे तब गर्म पेन में ही इस तरह से आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए और बंद गैस पर बढ़िया से इसे मिला लीजिए। मिल्क पाउडर डालने से किसी भी मावा खोआ की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, लगेगा ही नहीं कि सूजी से बनी हुई बर्फी है। लीजिए, हमारा मिक्स बर्फी के हो गई है तैयार। अब गैस के ऊपर से पेन के हम अलग रखेंगे और यहाँ हम बनाएंगे चाशनी। अब गैस पर चढ़ाएंगे 1 कढ़ाई या कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी चीनी। जितना हम सूजी लिए थे ना, बस उसी कटोरी से 1 कटोरी आप चीनी
पानी डाल दीजिए और उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी डाल देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पहले चीनी के हम घुलने देंगे और एक उबाल इसमें बढ़िया से आने देंगे। अक्सर हम सभी बाजार से मिठाई खरीदते हो, महंगी भी आती है, पता भी नहीं होता है कि उसमें क्या डाला हुआ है, कैसे तेल घी में बनी हुई है। सावन के सारे त्योहार शुरू हो गए है, रक्षाबंधन, तीज के त्योहार, 15 अगस्त, ऐसे में आपको ये मिठाई बहुत काम आने वाली है। लीजिए, चीनी भी घुल गई है। यहाँ पर चाशनी के हमें एक और दो तार के नहीं बनानी है, वो हल्का सा चिपचिपी सी हो, जैसे गुलाब जामुन के चाशनी बनाते हैं ना। आप फिंगर के बीच में रखकर आप चेक करके देखिएगा, हल्का सा चिपचिपा सा हो और तेल के तरह चिकना हो, बस उतने तक चाशनी तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने एक और दो तार के बना ली तो फिर आपने बर्फी बनाई तो अक्सर वो बर्फी कड़क हो जाती है। अगर आपने चिपचिपी तक होने तक नहीं पकाया, वो पानी पानी जैसा रह गया तो हलवा बन जाएगा। यहाँ आपको खास ध्यान रखना होगा, हानी के तरह एकदम चिपचिपी चाशनी बना के तैयार करना है। अब इसमें डालेंगे रवा बर्फी के और भी टेस्टी बनाने के लिए आधी छोटी चम्मच इलायची के पाउडर, आप चाहे तो केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से फिंगर के बीच में आप लगा कर देखिए, ये तार नहीं बन रहा है, खींच भी नहीं रहा है, लेकिन चिपचिपी दिख रहा है, इसे कहते हैं चिपचिपी चाशनी, तेल के तरह चिकना लग रहा है। बस इतना तक चाशनी के तैयार करना है। और सूजी वाले पैन के लाएंगे इधर, फ्लेम के रखेंगे लो और धीरे धीरे ये जो हमने चाशनी तैयार की है ना, इसे हम डालते जाएंगे, एक हाथ से चलाते जाएंगे, देखेंगे कितनी जरूरत है। ऐसे तो रेशो बराबर रहनी चाहिए, ये परफेक्ट है, चाशनी हमने बराबर क्वांटिटी में बनाई है। और चाशनी डालने के बाद में लो फ्लेम पर जब तक ये मिक्स पैन या कढ़ाई छोड़ने न लग जाए तब तक इसको पकाएंगे, यानी बर्फी के जमने कंसिस्टेंसी तक आ जानी चाहिए, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए कैसे लम के तरह घूम रहा है, चाशनी भी सारी सूजी अब जब कर ली है और कलर टेक्सचर आप देख सकते हैं कैसे पेन के छोड़ रहा है। यही आप समझिए कि आपके बर्फी परफेक्ट बन रहा है। आप कैसे पता चलेगा कि बर्फी जमाने के स्टेज पर आया है कि नहीं, उसके लिए आप लीजिए एक प्लेट, थोड़ा सा मिक्स डालकर थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। अब ऐसे बॉल बनाकर देखिए, ये हाथों पर चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी के बर्फी जमाने के लिए तैयार हो गई है। इससे ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये बर्फी है ना वो हार्ड बन जाएगी। बस इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे। अब बर्फी जमाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक थाली। अब स्टील के थाली पर थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर देंगे। अब ग्रीस किया हुआ थाली में सारे बर्फी वाला मिक्स को डाल देंगे और इस तरह से पेचुला चाहे कटोरी से चिकना करके लेवल कर देंगे। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, अभी तो जमा नहीं है, जब ये जम जाएगी तो आप यकीन नहीं करेंगे, बिना मावा बिना खोआ के बर्फी बनी है। सिर्फ थोड़ा सा दूध के मलाई या दूध के पाउडर से बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। आप यहाँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग ऊपर से कर सकते हैं, चाहे तो आप प्लेन भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सजा रही हूँ बारीक कटी हुई बादाम और पिस्ता के कतरन से। अब सजाने के बाद में इस तरह से पेचुला से सारे ड्राई फ्रूट के दबा दीजिए ताकि अच्छे से इस बर्फी में सेट हो जाए, और इसे पूरी तरह से 1 घंटे के लिए किचन पर और फर्म पर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, चाहे तो फैन के नीचे थोड़ी देर रख दीजिए। आपको जल्दी है तो फ्रिज में आप 1/2 घंटे के लिए रख दीजिए, अच्छे से सेट हो जाएगा। लीजिए, हमारी हलवाई जैसी रावा बर्फी बिल्कुल तैयार हो गई है, परफेक्ट सेट भी हो गई है, एकदम बेहतरीन लग रही है कि सूजी की बर्फी बनी हुई है। कलर देखिए कितना मस्त आया है, एकदम मावा जैसा। अब इसको मन चाहे सेम में कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसकी दानेदार टेक्सचर, यही खास बात है कि हमारा सूजी के बर्फी बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा हलवाई स्टाइल बहुत बहुत स्वादिष्ट मलाई रवा बर्फी। इसे बनाना तो बिल्कुल बनता है त्योहारों पर, जब इसे आप बनाएंगे तभी असली स्वाद इसकी जान पाएंगे, एकदम दानेदार भी है और मावा जैसा भी है। इसकी टेक्सचर पीछे से आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट आई है। अब इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बनी है ना एकदम मुँह में घुल जाने वाली, ऐसी ही रहेगी 2 महीने तक, और खाने बहुत ही लाजवाब लगती है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बर्फी आपको बहुत पसंद आएगी। घर के 3 से 4 चीजों से तैयार कर सकते हैं, नो फेल वाली रेसिपी है, इसे कोई भी बना ले, बनाना बहुत आसान है। और उम्मीद करती हूँ कि आज के रावा बर्फी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, हमें प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। इन बर्फी को आप 2 महीने के लिए एयरटाइट बॉक्स में भर के आप रख दीजिए, 2 महीने बिल्कुल खराब नहीं होगा, त्योहार आ रही है, पहले से ही बनाकर आप रख लीजिए। आज के रावा बर्फी
की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर आप नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक से मेरे वीडियो को देख रहे तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय गाइस।